पापा की कहानियाँ मस्ती में खुलो। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी, वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट, मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं। और अब आप टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है, तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। सैलून सबको मिला देते हैं। पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है। हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है। ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मेरे हाथ थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अगली चीज जूस टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ। ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। अब बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है। बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला?
इसमें बहुत सारे रंग है। शाबाश पापा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है। सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा साइका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम, ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। यम्मी मजेदार खाना। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह। रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पापा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओ, बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस, हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं करता। तुम्हें भूख लगी थी पेपा? क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह। ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म। शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा के प्ले ग्रुप में एक काफी खास सीख दी जा रही है। आज हम 4 जुलाई के बारे में सीख रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र दिवस क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जब अमेरिकी अपने देश की पसंदीदा चीजों के बारे में जश्न मनाते हैं। जा रहे हैं हमारे खास मेहमान। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मिस
वेजिटेबल अभी अभी अमेरिका से छुट्टी मना कर लौटे हैं और वो वहाँ की अपनी कुछ पसंदीदा चीजों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए अमेरिकी पार्टी से शुरुआत करते हैं जिसे कहते हैं कुकआउट। हम सब मिलकर मेरे नए बारबेक्यू में खाना बना सकते हैं। मैं बनूंगा ग्रिल मास्टर। मिस्टर बुल का बारबेक्यू बहुत बड़ा है। धन्यवाद मिस्टर बुल, लेकिन हमारा बारबेक्यू बाद में इस्तेमाल होगा और वो भी बाहर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ड्रेस अप। पेपा और उसके दोस्त अमेरिकी झंडों के रंगों का ड्रेस अप कर रहे हैं, लाल, सफेद और नीला। ग्रिल मास्टर और उसका बारबेक्यू दोनों ही तैयार है। समय हो गया क्या? नहीं मिस्टर बुल, सबसे पहले हमें सजावट करनी होगी। ओह, बेशक, मैं ग्रिल पर वापस जाता हूँ। उसके बाद सभी लाल, सफेद और नीले रंग की सजावटी चीजें लटका रहे हैं। अब पेपा और उसके दोस्त एक अमेरिकी झंडा बना रहे हैं। अमेरिका के झंडे में कितने स्टार्स होते हैं? बहुत बहुत सारे। ये तो बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं बच्चों। अमेरिकी झंडे में होते हैं 50 स्टार्स, हर राज्य के लिए एक स्टार। क्या अब बारबेक्यू का समय हो गया? हाँ, समय हो गया है। मिस्टर बुल अपने बारबेक्यू का इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित है। उम्मीद है आप असली अमेरिकी बारबेक्यू के लिए तैयार हैं। लेकिन बारबेक्यू में सारा खाना जल गया है। अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ग्रिल मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ एक जायकेदार ऑल अमेरिकन एप्पल पाई मास्टर भी। मुझे एप्पल पाई बहुत पसंद है। ये एकदम अमेरिकन भोजन है, खास तौर पर पटाखों के साथ। सभी को जलते पटाखे और एप्पल पाई बहुत पसंद आते हैं, खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो, मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिक के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछे लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिग पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिग को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बॉय। चीज। कितना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक, दो, तीन, चीज।
पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। आज पेपा और उसका परिवार एक एयर शो में खूब सारी चीजें करने वाला है। मिस रैबिट हॉट एयर बलून उड़ा रही है। आसमान हॉट एयर बलून से भरा हुआ है। ये कितने सारे बलून है, एक बादल, एक ब्रोकली, एक जोकर, एक डायनासोर। बहुत बढ़िया जॉर्ज। वो क्या है? वो एक बाइप्लेन है पापा। ये कर क्या रहा है? कुछ प्लेन आसमान में मैसेज लिख सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं। बाइप्लेन ने आसमान में पापा की तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ। सभी को मेरा हेलो। आकाश में तस्वीर बनाने के लिए शुक्रिया। स्वागत है आप लोगों का। लो मैं चली। ये क्या है? क्या ये दूसरा हॉट एयर बलून है? ये वायुयान है। ये गुब्बारे की तरह तैरता है। इसके छोटे छोटे प्रोपेलर प्लेन की तरह उड़ने में इसकी मदद करते हैं। पेपा और जॉर्ज को वायुयान बहुत रोमांचक लगता है। क्या आप सभी सवारी करना चाहेंगे? वायुयान। वायुयान आसमान में उड़ने वाला है। हम बहुत ऊपर हैं। ये कैप्टन की तरफ से घोषणा है। आकाश में आप देखेंगे चिड़िया। हेलो चिड़िया। बादल। हेलो बादल। और डॉक्टर हैमस्टर। हेलो फिर से। इतने सारे बटन। हाँ, इस तरह के वायुयान को चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज कोई भी बटन नहीं दबाइएगा। ये स्टीयरिंग व्हील वायुयान को अलग अलग दिशाओं में ले जाने में मदद करता है, ऊपर नीचे और अगल बगल। और हम रेडियो से पूरे एयर शो में घोषणाएं कर पाते हैं। क्या मैं घोषणा कर सकती हूँ? मुझे एक बहुत ही जरूरी बात की घोषणा करनी है। बेशक। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। मैं वायुयान हूँ जो थोड़ा थोड़ा गुब्बारे जैसा है, लेकिन एक हवाई जहाज भी है। मुझे आशा है कि आप सभी का समय एयर शो में अच्छा बीता होगा। अरे रे, हम तो एक बहुत ही जरूरी बात भूल ही गए। ये पायलट है पेपा और जॉर्ज के लिए। मैं हूँ पायलट पेपा। पायलट पेपा को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। सभी को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना पेपा। डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। नो। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते। वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में ये जूते चाहिए जॉर्ज? जूते, जूते। ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले। जूते। ये जोकर
जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है, लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। जूते, ये चप्पल है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते, ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते, जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। और ऐसे खेलते हैं शफल बोर्ड। मेरा पग बॉटम पर था, इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोर्ड खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। ये तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बढ़िया आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती। शाबाश जॉर्ज। मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पग को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पेपा। ठीक है, ये लो ग्रैनी। ग्रैनी के पग ने पेपा के पग को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले। अरे वाह! पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है, लेकिन खेलने के लिए कोई पग नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पग से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा,
मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकिए। क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पापा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल? अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओ हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? ओ पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है। ओ, मुझे पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजेल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। डायनासोर। ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है।
गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ। आज पेपा और उसके दोस्त गो-कार्ट ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो-कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपनी सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो कार्ट चुन लो। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है, तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ, मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं, इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? ओ नहीं, शुक्रिया मिस रैबिट, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ओह, ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो कार्ट चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गो कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो कार्ट रेस काफी पसंद आती। आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार, अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह, चलो स्पगेटी बनाते हैं, मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए,
क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पापा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी। और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक! सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सभी को मेरा हेलो, मैं पेपा द डेंटिस्ट हूँ। मैं आपके दांतों की देखभाल करने में आपकी मदद करूंगी। आज मिस रैबिट पेपा के प्ले ग्रुप में दांतों के बारे में सिखाने आई है। पेपा डेंटिस्ट होने का नाटक कर रही है। पकड़ लिया। ओह, शुक्रिया पेपा। अच्छा, अब जो तुम्हें अपने दांत मिल गए हैं, किसे किसे पता है कि हम उनकी देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सही बात है। डेंटिस्ट के पास पहले कौन गया है? चेरल जिराफ डेंटिस्ट के पास पहले कभी नहीं गया है। मिस रैबिट, क्या मैं चेरल को दिखा सकती हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना कैसा लगता है? मैं बहुत बार गई हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पेपा नाटक कर रही है कि वो डेंटिस्ट है और चेरल मरीज है। हेलो मिस्टर जेरल, कृपया इस बड़े से कुर्सी पर बैठ जाओ। शुक्रिया श्रीमती डेंटिस्ट। ये रहा आपका एप्रिन। मुझे चश्मा क्यों पहनना पड़ेगा श्रीमती पेपा? इस जोरदार रोशनी की वजह से। ऐसे बड़ा सा मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत देख पाऊँ। पेपा टॉर्च से जेरल्ड के दांत देख रही है। मिस्टर जेरल्ड, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको एक स्टिकर मिलता है। शुक्रिया। अरे वाह, बहुत खूब पेपा और जेरल्ड। क्या किसी को पता है घर पर अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। सही बात है सूजी, ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। क्या हम दांतों को ब्रश करने की प्रैक्टिस करें? मिस रैबिट सभी को टूथब्रश दे रही है ताकि वे अपने दांतों पर ब्रश करने की प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले हम ब्रश को गीला करते हैं, फिर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं। सभी अपने टूथब्रश पर थोड़ा थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं, लेकिन कैंडी ने तो ढेर सारा ले लिया है। अब हम क्या करें क्लास? हम ब्रश करते हैं। सामने वाले दांतों पर ब्रश करो और किनारों पर भी, ऊपर और नीचे भी। बहुत अच्छा बच्चों। अरे सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सभी को मिलते हैं स्टिकर्स। पेपा को डेंटिस्ट का नाटक करना अच्छा लगता है और पेपा को स्टिकर बहुत अच्छे लगते हैं। पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत
मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है, सूजी शीप रोबोट बनी है, जेरल्ड जिराफ एलियन बना है और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह! मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल, हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस। ओ सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं चांद पर? पीप, यहाँ चांद पर एक ही चीज है, चांद। पीप, चांद बना है चीज से। तो लंच के लिए थोड़ा चीज ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? ये क्या था? चांद का दाना? नहीं पापा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बोल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे,
लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पापा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज पापा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है, जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन्स कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लो ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाई ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाई ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरें। लाल ट्रेन, आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ हैं। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं सुपर पोटैटो। बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट।
डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ओह, ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। ओके। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ सही कहा। हॉप। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊ। हाँ बिल्कुल। हॉप हॉप। आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सब को एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ? अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से। जोर से। अब जॉर्ज राजा है। डायनासोर। राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्ले ग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है।
पेपा और रिबेका रैबिट आज तकिए का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। कुछ खाने के लिए। मम्मी। तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अभी आई, कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग हंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। सभी को मेरा हेलो। मम्मी पिग पेपा को प्ले ग्रुप छोड़ने जा रही है, लेकिन मम्मी पिग बेबी अलेक्जेंडर की देखरेख भी कर रही है। ओह, अरे अरे, बुरा ना माने तो मैं जाने से पहले एक बार अलेक्जेंडर की बदबूदार नापी साफ कर लूं। ओ, क्या हम उसे साफ करने में मदद करें? प्लीज। ठीक है, क्या तुम मुझे चेंजिंग बैग से नापी क्रीम दे सकते हो और एक साफ सुथरी नापी भी देना? सभी को बेबी अलेक्जेंडर की नापी बदलने में मम्मी पिग की मदद करना अच्छा लगता है। देखो, एकदम तरोताजा। क्या हमारे साथ बेबी अलेक्जेंडर खेल सकता है? प्लीज। वैसे बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। पेपा बेबी अलेक्जेंडर को प्ले ग्रुप की अपनी सारी मनपसंद चीजें दिखा रही है। ये किताबें हैं। बेबी अलेक्जेंडर को सारी किताबें पसंद आती है। ये रही पूरी दुनिया। और उसे ग्लोब को गोल गोल घुमाने में मजा आता है। और ये है मैडम गजेल। हेलो छोटी अलेक्जेंडर। लेकिन उसे मैडम गजेल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब शायद थोड़ी सी पेंटिंग करनी चाहिए। सभी अपनी खुद की तस्वीर बना रहे हैं, जिसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहा जाता है। मैं हूँ पेपा पिग। नमस्ते। हेलो पेपा, मैं फ्रेडी हूँ। मैं सूजी हूँ। ओ
मैं जरूर हूँ। शाबाश बेबी अलेक्जेंडर, ये तो जायकेदार सेब जैसा लग रहा है। बेबी अलेक्जेंडर की पेंटिंग को देखकर पेपा को याद आता है कि लंच टाइम हो गया है। बेबी अलेक्जेंडर का भी लंच टाइम हो गया है। वो बच्चों का खास खाना खा रहा है। ये आई ट्रेन अलेक्जेंडर। चुक चुक। मम्मी, क्या बेबी अलेक्जेंडर का खाना बढ़िया है? उसे अच्छा लगा। अरे अरे, निकलने से पहले क्या मैं अलेक्जेंडर को फिर से साफ कर लूं? हाँ, बिल्कुल। ओह, मैं बैग ले लूं। बेबी अलेक्जेंडर का प्लेग्रुप में आना सभी को अच्छा लगता है, और बेबी अलेक्जेंडर को भी यहाँ आकर अच्छा लगा। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है। पापा, चलो खाने के डिब्बे की ओर चले। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरल। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चल जाएं। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चले। समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्की वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है, इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पापा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात, अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा।
यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ। शाबाश पापा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह सॉरी पापा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पापा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पापा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। आज पापा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस एवरेट। आप लोग स्विमिंग जाओ, इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है, कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बोल। ओह सॉरी पापा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल। दूसरा नियम है, कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है, सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पापा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड पे चलते हैं। हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में हैं। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जेरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बॉय। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये भी जीत गए। पापा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छींटाकशी नहीं।
आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई मजेदार है। बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है, तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमिन एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा, लेकिन एडमिन को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमिन, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है, अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पाके झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमिन। लेकिन एडमिन एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमिन हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते, यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमिन एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। एडमिन और एडमिन एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। पेपा अपने प्लेग्रुप पहुंच गई है। हेलो मैडम गजेल। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम बिल्कुल समय पे आई हो एक खास गेम के लिए। मैडम गजेल ने कमरे को चार रंगों में बांट दिया है, लाल, नीला, हरा और पीला। तुम ज्वाइन कर सकती हो हरी टीम पेपा। येलो तुम्हारा बिब। अरे वाह। इस गेम में मैं तुम्हें दूंगी एक कैटेगरी। क्या है कैटेगरी? स्क्विक। एक कैटेगरी चीजों का ग्रुप होती है। मैं एक कैटेगरी बोलूंगी और तुम्हें अपने रंग से मैच करती हुई चीज तलाशनी होगी। तो अगर मैं कहूँ खाना, इसका मतलब है हमें खाना तलाशना है। वो तो बस उदाहरण था, लेकिन ठीक है, चलो शुरू करें। हर कोई इस गेम को खेलने के लिए काफी जोश में है। केले, ये बहुत पीले होते हैं। टमाटर लाल होते हैं। सूजी शीप का खाना नीली ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी से ज्यादा नीला कुछ नहीं होता। ये पत्ता हरा है। अरे नहीं पापा, ये खाना नहीं है, तुम इस पत्ते को नहीं खा सकती। लेकिन कैटरपिलर खा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि अगली कैटेगरी है खिलौने, लेकिन मुझे अपनी लिस्ट देखनी होगी जो मुझसे खो गई है।
प्ले ग्रुप में सभी को खिलौने ढूंढना पसंद आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान था। मेरे पास है एक और कैटेगरी। वो कौन सी है? सब मैडम गजेल को अपनी लिस्ट तलाशने में काफी समय लग रहा है। मिल गई। चलो अब मेरे साथ। अरे रे, हमने गेम पूरा कर डाला मैडम गजेल। हमने पूरे कमरे की सारी चीजें तलाश ली। अगर ऐसा है तो चलो खेलते हैं एक नया गेम, चीजों को फिर से अपनी जगह रखना। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाओ, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कोई नहीं जानता कि मैडम गजेल कहना क्या चाहती हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग। ब्रश की जगह तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा।
थैंक यू मैडम गिजेल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गिजेल। और डैनी, ये तो गजब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजेल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी, हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ीब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं, और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों रंग छिड़को, मजे करो, बस जमीन से मत गिराना। सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखोगी पापा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को प्यारा सा स्टार अच्छा लगता है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे भी अच्छा लगता है। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस, हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछें। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी नहीं, नीला। हाँ, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। जी तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया। हमने राज सुलझा लिया। अरे
मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सुजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पेपा। पेपा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पेपा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया, मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं।
देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती है बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है, रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी, हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिलडुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। पेपा अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलते हुए खूब मजे कर रही है। कितना ठंडा है। लेकिन वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें वो अपने आप को ठंडी बर्फ से ढक रहे हैं। हेलो डैडी। पेपा, तुम बर्फ से ढक चुकी हो। मुझे लगता है अब तुम्हें अंदर के गर्म माहौल में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम एक बर्फीली दानव में बदल जाओगी। बर्फीली दानव जैसी कोई चीज नहीं डैडी। क्या हम 5 मिनट और खेल सकते हैं? ओ ठीक है, 5 मिनट और। अरे बाप रे। पेपा और उसके दोस्त बर्फ में खूब सारे खेल खेल रहे हैं। उन्हें बर्फीले दानव बनने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। चलो बर्फ की गेंद बनाकर खेलते हैं। ये! तुम मुझ पे नहीं फेंक पाओगे पेपा। वो शोर कैसा था? ऐसी आवाज थी। क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? एक बर्फीला दानव। चलो छिप जाते हैं। अरे बाप रे। चलो यहाँ छिपते हैं। बर्फीला दानव हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। बर्फीले दानव ने उन्हें ढूंढ लिया। पापा, ये तो मैं हूँ। ये बर्फीला दानव नहीं है। ये है डैडी पिग। मैंने कहा था ना, बर्फीले दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए डैडी, हम आपको गर्मी में ले चलते हैं और ये बर्फ पिघला देते हैं। और रास्ते में मेरे चश्मे भी ढूंढ लेंगे। ओह, आपका चश्मा। थैंक यू सूजी। डैडी पिग घर के गर्म माहौल में वापस आकर बहुत खुश है। अब वो बर्फीले दानव बिल्कुल नहीं रहे। सारे लोग गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का मजा ले रहे हैं। बर्फीले दानव को भी हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है।
चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। पेपा पिग की कहानियाँ। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं। पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? ओ रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बल बी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी है जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं।
ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु कामों की वजह से प्यारी लगती है। फिर से एक सेब। सब्जियां खाकर मिलने वाली ताकत से मैं यहाँ हूँ। एक मिनट। अब मैं यहाँ हूँ। ये रहा मैं, अब तक का सबसे सुपर सुपर हीरो। और मैं यहाँ आप सबको ये सिखाने आया हूँ कि सुपर हीरो कैसे बना जाता है। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप सुपर हीरोज के रूप में तैयार हो गए हैं। सुपर हीरो स्कूल की सबसे पहली सीख है ये अपनी सुपर हीरो शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम करना है। सूजी शीप दया दिखाते हुए एक कीड़े को छेद करने में मदद कर रही है। फ्रेडी फॉक्स दयालु बनकर पौधे को पानी दे रहा है। और पेपा के दिल में पूरी दुनिया के लिए दया होने के कारण वो निश्चित कर रही है कि सारा कचरा रिसाइकल हो और जमीन पे ना पड़ा हो। आप सब ने अपनी पहली सीख अच्छे से ली। अब सुपर हीरो स्कूल की अगली सीख है मुश्किलों को सुलझाने का कोर्स पूरा करना और मैडम गजेल को सुपर विलन से बचाना। तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सब इतने थक गए हैं कि दौड़ नहीं पा रहे हैं। हम सबकी सांसें फूल रही है। हम तेज क्यों नहीं दौड़ सकते और हम में ताकत क्यों नहीं है? क्या हम सुपर हीरो नहीं है? मैं समझ गया। क्या आज किसी ने कोई फल या सब्जियां खाई है? मेरा आज गाजर खाने का मन नहीं था। और मैंने अपना सेब अपने लंच बॉक्स में छोड़ दिया। वही तो, फल और सब्जियां हमें सेहतमंद रखती है और हमें देती है सुपर एनर्जी। सुपर हीरो में दौड़ने और कूदने के लिए काफी एनर्जी होनी चाहिए। मैडम गजेल ने मेज पर खाने के लिए प्लेट में स्वादिष्ट फल और सब्जियां रखी है। पेपा और उसके दोस्तों ने सारे फल और सब्जियां खा ली है। अब उनके पास काफी सुपर एनर्जी है और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार है। हम आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। मेरे हीरोस, मेरे सुपर हीरोस। बधाई हो, आप सभी आज बेहतरीन थे और हर एक सुपर हीरो को हीरो बनने का इनाम मिलेगा। तो बताओ क्या लोगे? क्या कुछ गाजर बचे हैं? फलों और सब्जियों से मिली ताकत से पेपा और उसका प्ले ग्रुप दिन भर काम कर पाया। पेपा और उसके दोस्त सीसॉ पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सीसॉ की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सीसॉ पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं? क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ऐसे? मिस्टर बुल सीसॉ पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसॉ बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। Oh, 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 oh,
की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ मैं तो हूँ। मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसो बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकी डोकी चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। हेलो। पेपा अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रही है। मुझे स्नैप खेलना पसंद है, मैं इसमें जीतती रहती हूँ। मुझे स्नैप बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा को गेम जीतना पसंद है। स्नैप मुझे पता है। चलो इसकी जगह हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी। लेकिन मैं जीत रही थी। एक दो तीन चार। मैं जीतने वाला हूँ। दो जगह अब मुझे एक सीढ़ी चढ़नी है। मैं फिनिश लाइन के एकदम पास हूँ। अब तुम्हारी बारी है रेबेका। अरे बाप रे, अगर रेबेका सांप से नीचे आ गई तो वो नहीं जीत पाएगी। मुझे पता है, चलो हम सब मार्बल रन खेलते हैं। मुझे मार्बल रन पसंद है। लेकिन मैं जीतने वाला था। मेरा पिंक मार्बल जीत रहा है। मुझे पता है, चलो हम पैक द पैरेट खेलते हैं। ठीक है, मुझे पैक द पैरेट पसंद है। लेकिन मेरा मार्बल जीत रहा है। ये उछलने वाला है, मैं नहीं देख सकती। ठीक है, चलो फिर से स्नैप खेलते हैं। सांप सीढ़ी। पेपा और उसके दोस्तों को गेम्स बदलना पसंद है और उनको गेम्स बदलना इतना पसंद है कि वो भूल गए कि आखिर जीत कौन रहा है। पापा, मुझे लगता है कि हम सब जीते। अरे रे, मुझे लगता है कि नए खेल का समय है, मतलब साफ सफाई। पापा और सूजी शीप ने आज कपड़े उल्टे पहनने का फैसला किया है। पेपा, सूजी, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? और तुम दोनों पीछे की तरफ क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज है बैकवर्ड्स डे।
आज आप सब उल्टा बोलते और करते हैं। मैं नहीं, हम नहीं करते। वाह, मजे करो। बिल्कुल नहीं। पेपा और सूजी शी बगीचे में पीछे की तरफ से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। सूजी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। पीछे की तरफ वाले खेल खेलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ गए सूजी? आ रही हूँ। मुझे पता है, चलो पार्क में बैकवर्ड गेम खेलते हैं। मिस्टर बुल पेपा और सूजी शीप को पीछे की तरफ उछलते देखकर काफी उलझन में पड़ गए। गुड मॉर्निंग, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बैकवर्ड्स डे है, हमें सब कुछ करना है बैकवर्ड्स। क्या? बैकवर्ड्स डे आ चुका है? मैं भी अपनी बैकवर्ड ड्रिल्स तैयार करता हूँ। अरे ओ, माफ करना। पेपा और सूजी शीप पार्क में खेलकर अपना बैकवर्ड्स डे बिताती है। पीछे से झूलना वैसे ही लगता है जैसे आगे से झूलना, लेकिन सारे खेल पीछे से खेलने में मजेदार नहीं होते। ये पीछे से है, नहीं ये पीछे से है। चलो फ्रिस्बी को पीछे से खेलते हैं। पकड़ो। किस किस को चाहिए आइसक्रीम? ये। ओ, मेरा मतलब नहीं। तुम लोग मजेदार बैकवर्ड्स डे बना रहे हो। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊंगी पीछे से। ऊपर से नीचे की तरफ होना पीछे होने जैसा नहीं है। ये सब काफी उलझन वाला है। मुझे लगता है बैकवर्ड्स डे अब शायद खत्म हो गया है। पेपा और सूजी शीप ने बैकवर्ड्स डे के मजे लिए, लेकिन वो बहुत खुश है कि चीजें अब बैकवर्ड्स नहीं रही। लगभग कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं? मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर की बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओह डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल, ये मेक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। बढ़िया पेपा, सिंको डे मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना।
Yummy guacamole, yummy guacamole, yummy guacamole. और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में पेट्रो कोनी, कैंडी कैट, रैंडी माउस, जेरल्ड जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ। पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले हा? खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों, आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो, सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। हेलो डैडी। हेलो पापा, पापा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं नहीं नहीं, एमिली तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं।
हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेट्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना, और तभी जाना जब वो देखते हैं ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है।